झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग झारखंड सरकार द्वारा हुए इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के सचिव मुकेश कुमार ने विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया। 5 दिवसीय प्रशिक्षण सह प्रतियोगिता में राज्य भर से चयनित कुल 237 प्रतिभागियों ने राज्य विशिष्ट 14 ट्रेड में भाग लेकर अपना हुनर दिखाया। प्रतियोगिता के विजेताओं को प्रथम पुरस्कार स्वरूप 21,000, द्वितीय पुरस्कार स्वरूप 11,000 एवं तृतीय पुरस्कार स्वरूप 6,000 की राशि प्रदान की गई। प्रतियोगिता के विजेता प्रतिभागी राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया स्किल 2023 से 2024 में भाग लेंगे, जहां देश भर के अलग अलग राज्यों के चयनित प्रतिभागी प्रतिस्पर्धा में भाग लेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर विजेता प्रतिभागियों को इस साल फ्रांस के लियोन शहर में आयोजित होने वाले वर्ल्ड स्किल्स 2023 से 24 में भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। मुकेश कुमार ने कहा, कौशल किसी भी शिक्षा पद्धति में वैल्यू एडिशन करता है। बदलते वक्त के साथ हमें स्किल्स की ज़रूरत को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि स्किल हमें समय के साथ चलने में मदद करता है। हम सबको पारंपरिक कौशल के अलावा भी नए क्षेत्रों को आजमाने की ज़रूरत है और इस क्षेत्र में हमें सामूहिक प्रयास करना होगा। होने के साथ ड्राइवर होने के साथ महत्वपूर्ण है एक व्यवहारिक होना। 2 मिनट आप लोग वेट करो तो बाहर आपको आवाज़ भी अच्छी आएगी, तो हम यही बोल देंगे। आ रहा है, मैं बोलूँ? हाँ, सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर हमने बातचीत करी और चूंकि हम सब जानते हैं कि आप किसी भी ट्रेड में बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन इसके साथ साथ सॉफ्ट स्किल्स एक ऐसा कंपोनेंट है जिसके ऊपर हम सब लोगों को काम करने की ज़रूरत है। व्यवहार कुशल होना, अच्छी भाषा का इस्तेमाल करना और अच्छे वॉर्म्थ के साथ, जिसको कहते हैं गर्माहट के साथ, जोश के साथ किसी काम को करने से किसी भी स्किल को और ज़्यादा वैल्यू एडिशन मिलता है। आने वाला फ्यूचर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, मशीन लर्निंग का है, नियर फील्ड कम्युनिकेशंस का है, वेब डेवलपर्स का है, जीनोम मैपिंग का है, हेल्थ केयर का है, और इसके साथ साथ इसमें हम कैसे सॉफ्ट स्किल्स को ऐड कर दें ताकि जो भी आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जो मैन पावर फायर किया जाना है या जिसकी कमियाँ आनी है उसको कॉम्पनसेट करने के लिए आज का ये जो स्किल मेला था हमारा, जो अलग अलग राज्यों में भी आयोजित किया गया और वर्ल्ड स्केल पे भी एक वर्ल्ड समिट भी किया जाता है, वो जो कि इस बार फ्रांस के भीतर प्रस्तावित है, वहाँ तक पहुँचने की एक पूरी यात्रा है। उस जर्नी को ही बेसिकली अलग अलग हिस्सों में हम लोग करते हैं और आज राज्य स्तर का प्रोग्राम कार्यक्रम हम लोगों ने झारखंड के भीतर किया है और हमने जो खासकर जो युवा पीढ़ी के लोग हैं, जो बच्चे बच्चियाँ जो ITI कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, 12th पास आउट हैं या आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, उनसे हम लोगों ने अपील की है कि स्किल एक मेजर कंपोनेंट है पढ़ाई के साथ साथ। अगर हम अपने एजुकेशनल नॉलेज के साथ साथ स्किल के ऊपर काम करते हैं तो आने वाला फ्यूचर बहुत अच्छा होएगा। और साथ ही साथ इस बात को भी हम लोग को गंभीरता से समझने की ज़रूरत है कि जो भी जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से वर्चुअल वर्ल्ड में जिस तरह से काम हो रहा है उसकी वजह से एक बड़ी संख्या में रोज़गार का सृजन भी हो रहा है और रोज़गार की दिक्कत भी पैदा होएगी। तो आपको अपने भीतर कौन से वो स्किल्स हैं जो ऐड करने चाहिए जिससे जो लोग फायर किए जाएंगे, जिन लोगों को हटा दिया जाएगा काम से, वो इन AI तकनीक को सीखकर, वेब डेवलपमेंट का काम सीखकर या बाकी और कुछ नहीं, तो मैं बारंबार कह रहा हूँ कि आप जो भी काम करते हैं उसमें सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर काम करें। और अगली बार हम लोग इस कार्यक्रम को और बृहद स्तर पर करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे स्टेट के भी बच्चे बच्चियाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर जो स्किल मेला स्किल समिट होता है उसमें ज़रूर 26 में 27 में जाकर पार्टिसिपेट करें। कहूँगा श्रम आयोग सचिव श्री मुकेश कुमार जी ने AI का बताया, मशीन लर्निंग का बताया, इसके साथ केवल मैं ऐड करना चाहूँगा जो उन्होंने व्यवहार की बात की, तो व्यवहार कुशल हॉस्पिटैलिटी स्किल्स में सिखाया जाता है और वो ऐसा काम है कि ज़िंदगी भर जब तक इंसान जिंदा है वो स्किल्स कभी ख़त्म नहीं होगा। तो AI मशीन टूल लर्निंग जितना है, उसके अलावा हॉस्पिटैलिटी स्किल्स एक अपकमिंग सेक्टर है, तो इस स्किल्स में इस बार कॉम्पिटिशन भी झारखंड में 5 ट्रेड्स में हुए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि झारखंड का रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहेगा नेशनल लेवल पे भी और विश्व लेवल पे। जब लियोन फ्रांस में जाएंगे तो शायद कोई झारखंड को रिप्रेजेंट करेगा और हमारे लिए बड़ा फख्र का बात होगा। थैंक यू।